नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ठंड लगातार बढ़ते जा रही है और चौक चौराहों पर लोगों के द्वारा अब अलाव की मांग की जा रही है। आपको जानकारी दे देती, नवादा में लगातार 60 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान है और जिसके कारण लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, गाड़ी की रफ्तार थम गई है और 7 बजे के अंदर ही मार्केट में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी देगी तो नवादा के कई जगहों पर हमने घूम घूम कर लोगों से यह जानकारी भी प्राप्त किए कि किस तरह के लोगों को विशेष ठंड लग रही है। लोगों ने बताया थे इस समय तक अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है, कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है ठंड को लेकर। और ज़िले के तमाम लोगों ने ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन व सरकार से भी यह मांग की है कि सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। आपको जानकारी दे देते, आपने जो भी तस्वीर देख रहे थे नवादा के स्टेटन रोड, नवादा के इंदिरा चौक, तमाम जगहों पर मुस्लिम रोड व नवादा के जो पूर्व विधायक है कौशल यादव, उनके आवास पर भी तमाम लोग जो है सभी लोग बैठकर आग ताप रहे। आपको जानकारी दे देते, जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष विनय यादव ने भी यह मांग की है कि जिला प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था किया जाए। तो वहीं कांग्रेस के एजाज अली मुन्ना, वरिष्ठ नेता एजाज अली मुन्ना ने भी सरकार व जिला प्रशासन से यह मांग की है अलाव की व्यवस्था की जाती थी। लगातार 2 दिन से जो ठंड है, ठंड के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि नवादा के लोगों ने किस तरह से क्या कुछ मांग की है इस ठंड में, जिला प्रशासन से किस तरह से लोग अपील कर रहे हैं कि हर जगह चौक चौराहों पर ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करने चाहिए, क्या कुछ करें लोग, आप इनकी बातों को सुनिए। काफ़ी बढ़ गई है, 60 डिग्री पर आ गया तापमान। जिला प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि चौक चौराहा पर, स्टेशन पर, झुंगी झोपड़ी, गरीब गुरुआ के पास अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर बना रहे और गरीब गुरुआ आग का सेवन करे। 2 दिन से पूरे शहर में ठंड बढ़ी हुई है, लोग को आवाजाही में भी परेशानी है, सरकार को इस पर आग खोलनी चाहिए, हर चौर चौराहे पर जो है आग का व्यवस्था करना चाहिए। जो गरीब बेचारे हैं वो ठिठुर रहे हैं हर जगह, समरणालय के पास कितने गरीब बैठे रहते हैं वो ऐसे ठुठुरते रहते हैं, चंद जो है कागज़ चुन करके अपना आग जलाते रहते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि निर्देश देना अपने 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 जो है DM साहब को, अपने SDO को इसको तैनात करना चाहिए, लेकिन सबका सब सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको अपने बाहर निकलने से कोई मतलब नहीं। बाहर निकलेंगे तब नहीं जानेंगे कि ठंड कितनी है शहर में, वो तो अपने घर में व्यवस्था करके सोए हुए DM SP SDO, और हमारे जो नीतीश कुमार जी भी सोए हुए हैं। जो करना चाहिए जनता के लिए वो काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, नवादा के DM साहब से मांग करता हूँ कि हर चौराहे पर आग की व्यवस्था की जाए, जिससे गरीब जो है बेचारे और परदेशी जो आते हैं और यात्री जो करते हैं उनको कम से कम सेवा मिले, आग ताप करके अपने ठंडों को दूर करें। काफ़ी बढ़ी हुई है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्टेशन वगैरह में कंबल का वितरण होना चाहिए, रैन बसेरे का बढ़िया इंतज़ाम होना चाहिए नवादा में, कि लोग असहाय महसूस ना करें नवादा में आके। सब पर ध्यान देना चाहिए, खास करके हमारे DM साहब को इस चीज़ और ध्यान देना चाहिए। पता नहीं शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, नवादा को जिस हाल में है उसी हाल में है छोड़ दिया गया है। जिला प्रशासन और सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हर जगह चौक चौराहे पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड के नज़दीक अलावन और लकड़ी की जलावन की व्यवस्था करें, जिससे गरीब गुरबा यात्रियों की सुविधा होगी। अभी आप लोग आग ताप रहे, कैसा ठंड महसूस हो रहा है? ठंड बहुत कम महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है आग तापने से। क्या ठंड बढ़ गई है? ठंड बढ़ गई है तो आग ताप रहे, ठंडा बहुत है, 2 दिन से बहुत ठंड लग रही है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौक चौराहा पर तो देना चाहिए ठंड की व्यवस्था के लेकर, भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सब हम लोग अपने आग जला के ताप रहे हैं, बहुत ठंड है 2 दिन से।